सो गाइस जैसे मैं अपनी गेम को अपडेट करता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी गेम के अंदर प्ले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुझे अपनी गेम के अंदर न्यू अपडेट मिल चुका है और मेरी गेम के अंदर न्यू हाउस ऐड हो चुका है और मुझे अपनी गेम के अंदर न्यू हाउस देखने को मिल चुका है। और गाइस मुझे अपनी गेम के अंदर न्यू हाउस के साथ साथ यहाँ पर एक न्यू कार देखने को मिल रही है जो कि हमारी एंडेवर कार होने वाली है और एंडेवर कार का भी मुझे अपनी गेम के अंदर अपडेट मिल चुका है। गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी गेम के अंदर ये सब कुछ कैसे ऐड किया और मुझे मेरे गेम के अंदर अपडेट का ऑप्शन कैसे मिला। और गाइस अपडेट के साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं अपने गेम के अंदर यहाँ पर डायनासोर को राइड भी कर पा रहा हूँ, मतलब कि मुझे डायनासोर राइडिंग का भी ऑप्शन मिल चुका है। ये सब कुछ लेने के लिए आप लोग करना क्या होगा, आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग भी अपने गेम के अंदर ये सारे के सारे ऑप्शन कैसे ले सकते हो और कैसे आप लोग अपनी गेम को अपडेट कर सकते हो। एंड आज हमारे गेम का अपडेट भी आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग एकदम सही सुन रहे हो, हमारे गेम का अपडेट आने वाला है और वो अपडेट का फिक्स टाइम क्या होने वाला है तो वो फिक्स टाइम मैं आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग कहीं भी वो टाइम बता दूंगा उस टाइम हमारा गेम का अपडेट आने वाला है। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आप लोगों को वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना है। एंड आगे मैं आप लोगों को वीडियो में और भी मस्त मस्त सीक्रेट चीजें बताऊंगा जो कि आप लोगों को शायद ही पता होगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। पर उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे लाल कलर वाले सब्सक्राइब बटन को याद से दबा देना है। बस आप लोगों को इतना सा काम करना है। अभी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं इन सभी के चीजों के बारे में, तो आप लोगों को वीडियो के अंदर बने रहना है। तो चलो अब मैं आप लोगों को एक एक करके सब कुछ बताना शुरू कर देता हूँ। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को अपडेट का फिक्स टाइम एंड अपडेट कब आने वाला है वो सब कुछ आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आप लोगों को सीक्रेट ट्रिक बताना चाहता हूं जो कि आप में से काफी कम बंदों को वो ट्रिक पता होगी। तो गाइस जो हमारी सबसे पहली ट्रिक होने वाली है ना, उस ट्रिक को करने के लिए आप लोग करना क्या है, आप लोगों को एक ATV बाइक को स्पॉन कराना है बहुत सारी, मतलब कि आप लोगों को एक नहीं करवानी है, बहुत सारी ATV बाइक को स्पॉन कराना है। जैसे आप लोग मेरे को देख रहे हो मैंने कैसे अपने गेम के अंदर ATV बाइक को स्पॉन कराया, तो आप लोगों को भी ऐसे बहुत सारी ATV बाइक को एक के ऊपर एक स्पॉन करवा लेना है। तो गाइस जैसे ही आप लोग बहुत सारी ATV बाइक को स्पॉन करवा लेते हो उसके बाद आप लोग को अपने गेम मोड को नाइट पे सेट कर लेना है और उसके बाद आप लोग को अपनी ATV बाइक के अंदर आकर बैठ जाना है। और उसके बाद आप लोग जैसे ही अपनी ATV बाइक की लाइट को जलाओगे ना, तो यहाँ पे आप लोग मैजिक देख सकते हो, यहाँ पर हमारी जो लाइट है ना वो कितनी ज्यादा दूर तक फैल रही है, मतलब कि इसकी जो लाइट की पावर है वो बढ़ चुकी है और हमारी जो नॉर्मल लाइट है उससे कितनी ज्यादा खतरनाक हमारी ये लाइट लग रही है। और गाइस आप लोग इस ट्रिक से अपने फ्रेंड को भी चौंका सकते हो, आप लोग देख सकते हैं इस ट्रिक से आप लोग अपने फ्रेंड को चौंका सकते हो और आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि देख भाई मैंने कितनी खतरनाक ट्रिक ढूंढ के लाई है। तो गाइस आप लोग इस ट्रिक को एक बार जरूर ट्राई करना। तो गाइस अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड ट्रिक है उसकी तरफ। सो गाइस अब हमारी जो सेकंड नंबर की ट्रिक होने वाली ना, उस ट्रिक को करने के लिए आप लोग करना क्या है, आप लोग को रेलवे स्टेशन के पास आ जाना है और आप लोग को इस रेल के पास आ जाना है और उसके बाद आप लोग को एक चीट कोड को डायल करना है 9129। जैसे ही आप लोग ये चीट कोड डायल कर लेते हो उसके बाद आप लोग करना क्या, आप लोग को एक और चीट कोड को डायल करना है, वो मैं आप लोग को अभी चीट कोड बता देता हूं। आप लोग को 1120 एक चीट कोड डायल करना है और जो चीट कोड डायल करने वाला बटन और रेल के अंदर बैठने वाला बटन है ना, वो दोनों को एक साथ दबाना है। जैसे अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोग एकदम से आसमान से गिरोगे और अब आप लोग के साथ खतरनाक वाला मैजिक होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पर नीचे आकर गिर चुके, अब आप लोग देखो हमारे साथ क्या मैजिक हुआ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पर बैठ चुके हैं, मतलब कि हम गाड़ी चला भी नहीं पा रहे और फिर भी हम देखो कैसे हो चुके हैं और हमारा कैरेक्टर कैसे ड्राइव कर रहा है, ऐसे लग रहा है कोई छोटा बच्चा चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं हम यार छोटी कोई गाड़ी चला रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस ट्रिक से आप लोग ऐसा कुछ मजा ले सकते हो और ये ट्रिक काफी ज्यादा मस्त है दिखने में भी। और आप लोग इस ट्रिक के अंदर अगर अपना रेस वाला बटन को दबा के रखोगे ना, तो आप लोग एकदम फास्ट ड्राइव करने वाले हो, मतलब कि आप लोग एकदम तेजी से भागने लगोगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने ड्राइव वाले बटन के ऊपर क्लिक करके रखा है, मतलब कि जो हमारा भागने वाला बटन है ना उसके ऊपर क्लिक करके रखा, तो मैं कितनी स्पीड से भाग रहा हूँ। अभी मैं आप लोग को एक और मस्त ट्रिक बताने वाला हूँ इसके अंदर। आप लोग है ना इस ट्रिक से ना ट्रेन के अंदर भी जा सकते हो, मतलब कि आप लोग एकदम आर पार हो सकते हो किसी भी चीज़ के। जैसे कि मैं यहाँ से ट्रेन के अंदर गया हूँ और आप लोग देख सकते हैं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर मैं ट्रेन के अंदर मस्त मजे से कुछ भी चीज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी चीट कोड को डायल कर सकता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने इन्फिनिट हेल्थ वाला चीट कोड एक्टिवेट किया हुआ ना, इसलिए हमें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर कोई भी चीट कोड को लगा लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी पापा की परी को बुला लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर पापा की परी आ चुकी है जो कि हमारी एक्टिवा होने वाली है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 9000 डायल करके यहाँ पर स्प्लेंडर बाइक को मंगा लिया, यहाँ पर मैं एक 8000 डायल करके हेलीकॉप्टर को भी मंगा लिया। बट गाइस हमें कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर सारे के सारे चीट कोड भी वर्क कर रहे हैं और हम ट्रेन के अंदर भी है और हमें कुछ भी नहीं होगा। तो गाइस ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, आप लोग एक बार इस ट्रिक को जरूर ट्राई करना। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग भी अपने गेम के अंदर कैसे ले सकते हो ये वाले अपडेट को और आप लोग अपने गेम के अंदर अपडेट कैसे करोगे और अपडेट करने का ऑप्शन कहाँ पर आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी तक हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम का अपडेट आया नहीं है, बट गाइस काफ़ी ज़्यादा चांसेस निकल के आ रहे हैं कि हमारे गेम का अपडेट आ जाने वाला है, जो कि रोहित गेमिंग स्टूडियो ने हमें बोला है कि आज शाम तक शायद अपडेट आ सकता है। तो मैं आप लोगों को टाइम बता देता हूं किस टाइम अपडेट आने वाला है। तो गाइस मेरे हिसाब से और है ना सर ने बोला है कि इस टाइम के हिसाब से आ सकता है। अभी मतलब अपडेट के जो अंदर जो चीजें हैं ना वो सारी चीजें फिक्स हो जाएगी, तो बहुत जल्द अपडेट आ जाएगा गेम का। मेरे हिसाब से 6 या 7
7 बजे के बीच में आप लोग को अपडेट देखने को मिल जाएगा। गाइस कंफर्म नहीं है बट गाइस मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि शायद आप लोग को इतने बजे के बीच में अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो शायद यार 6 या 7 बजे के बीच में हमारे गेम का अपडेट आ जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में याद से बताना 6 या 7 बजे के बीच में अपडेट आया कि नहीं आया। और आ सकता है गाइस, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चांसेस निकल के आ रहे हैं। और रोहित गेम स्टूडियो ने कहा ही था कि आज अपडेट आएगा 25 सितंबर को, तो गाइस आज आ जाएगा, आप लोग वेट करना। अगर आज नहीं आता है तो गाइस कल तो पक्का आ ही जाएगा अपडेट। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ आ चुका है। अगर सब कुछ समझ आ चुका है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी ऐसे सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।